अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल टू टाइप्स की स्मूदी लाई हूँ, एप्पल और बनाना की। आप इसे अगर डाइट कॉन्शियस है आप तो ये भी ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 टेबल स्पून इंस्टेंट ओट्स। इसमें ऐड करी हूँ मैं 3 से 4 डेट्स। आप सीडलेस डेट्स हैं, बीज उसका अच्छी तरह से निकाल लिया है। और अखरोट 3 से 4 अखरोट, अखरोट की जगह आप बादाम भी दे सकते हैं। 1/2 कप मैंने मिल्क लिया है, तो इन सबको थोड़ा देर सोक कर लेते हैं 5 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एसेंस, तो सिनेमन एसेंस डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल लें, तो स्किप कर दें। तो इसे मैंने 2 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दिया है। 2 बनाना लिया है, तो उसे उसके छिलके को रिमूव कर देंगे और छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो मैं कट कर ले रही हूँ। व्यूअर्स, ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप ब्रेकफास्ट में भी ये ले सकते हैं। अगर आप डाइट पे हैं तो ज़रूर इसे लें। अब इसे ब्लेंड करते हैं। तो मैंने जो सोक करके रखा था ओट्स, दूध और खजूर को, अखरोट, इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। फिर इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 कप मिल्क। और ये जो मैं बना रही हूँ, एक आदमी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। 2 केला, आप इसे, इसमें मैंने दिया है शुगर, इसमें बिल्कुल नहीं दिया है। तो 2 टेबल स्पून इसमें हनी का दिया है, तो 2 टेबल स्पून आप हनी ले लें। इसमें बहुत ही हेल्दी है और रमज़ान में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ हम लोग खा लेते हैं, तो अगर रमज़ान में आप ये लें तो बहुत अच्छा है। सहरी में भी आप ये ले सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। बनाना ओट्स स्मूदी तैयार है। तो मैं तो इसे रमज़ान में लेती हूँ, आप भी इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। अब मैं बना रही हूँ एप्पल ओट्स स्मूदी। तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून लिया इंस्टेंट ओट्स, 1 एप्पल लिया है, खजूर 3 से 4 खजूर, उसके बीज निकाल दिए हैं, 1/2 कप मिल्क लिया है, सेम प्रोसेस है। तो इसे सोक करने के लिए रख दिया मैंने 1 से 2 मिनट के लिए। एप्पल को मैं काट लूँगी छोटे छोटे पीस में, आप इसका छिलका बिल्कुल रिमूव ना करें। तो छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है इसे, मैं एप्पल को भी इसमें मिला लिया है। 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ओट्स अच्छी तरह से दूध में अब्सॉर्ब हो जाए। मैंने ब्लेंडर लिया है, जार लिया है, और उसमें ब्लेंड कर देंगे, स्मूथ सा इसका पेस्ट बनाएंगे। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से होगा। अब इसमें मैं 1/2 कप दूध मिला रही हूँ, शहद और एसेंस, 2 ड्रॉप एसेंस डाला है। तो इसे भी ब्लेंड कर लेना है, स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। देखिए बहुत ही इंस्टेंट तैयार होने वाली स्मूदी है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। आपको ये रेसिपी पसंद है। इसमें शहद मैं मिलाना भूल गई थी, तो अब मैं मिला रही हूँ 2 टेबल स्पून शहद, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाएं। तो चलिए इसे ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें आप। तैयार है एप्पल स्मूदी, ओट्स स्मूदी, तो ज़रूर इसे ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपने फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना बहुत ख्याल रखें।